दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले अब कम हो रहे हैं और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल अस्पतालों का दौरा कर हालातों का जायजा ले रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। मुझे कुछ एक आध शिकायतें मिली थी कल परसों में कि जो हम वीडियो के जरिए बात कराते हैं लोगों की, कि अगर कोई पेशेंट है वो अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है, इस वक्त हम समझ सकते हैं कि जो पेशेंट हैं अगर उनको इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिलती है तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक तरफ रिलेटिव्स उसके जो हैं वो बड़े टेंशन में होते हैं कि हमारे पेशेंट का क्या चल रहा है, पेशेंट भी अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है। तो ये सर्विस हमने शुरू की थी जिसमें कुछ बाधाएँ आ गई थी, तो उसकी मुझे एक आध शिकायत मिली थी, अब वो ठीक कर ली गई हैं। अभी मैंने खुद कुछ पेशेंट्स के साथ बात की है और जो भी अड़चने थी वो सारी अड़चनें पूरी कर ली गई है। तो स्तर पे रिकवरी हो रही है, कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेंस हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं, तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 6,500 केसेज आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है, 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है जो कल 11% था। केसेज 6,500 आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले एक हफ्ते में और ज़्यादा रिकवरी होगी। तो वो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा हुआ है, हमने दोनों कंपनियों को भी लिखा हुआ है कि भाई आप हमें वो दीजिए, वैक्सीन दीजिए, लेकिन अभी वैक्सीन के आने का कोई इंडिकेशन नहीं है। ना संगत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, जैसे कि कोविड के लिए मास्क जरूरी है तो ब्लैक फंगस के लिए सबको चश्मा जरूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए जो भी एहतियात बरतने की जरूरत है दिल्ली सरकार वो सारी एहतियात बरतेगी, जो भी कदम उठाने की जरूरत है हम कदम उठाएं। देश दुनिया की खबरों के लिए ए एनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।